किच्छा की वरिष्ठ समाज सेवी पम्मी बेदी की ओर से सभी देश व प्रदेश वासियों को नए साल मकर संक्रांति और लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेस पोलिंग बूथ के प्रदेश अध्यक्ष किशोर हल्दर की ओर से सभी देश व प्रदेश वासियों को नए साल मकर संक्रांति और लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे हजार, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नए साल के मौके पर सीएम धामी की छात्रों को सौगात, बांटे निशुल्क टैबलेट। प्रदेश भर के 2.5 लाख छात्र छात्राएं योजना से होंगे लाभान्वित। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के बीच मुख्यमंत्री धामी का बयान, बचाव को लेकर सरकार तैयार, कोविड गाइडलाइन का पालन बताया जरूरी। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी परिवार, हरदा ने भाजपा हराओ महंगाई हटाओ का दिया नारा। प्रदेश में जनता के बीच पार्टी उठाएगी मुद्दा। और कांग्रेस जल्द जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 45 विधानसभा सीटों पर नाम लगभग तय, मगर हरदा के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के मौके पर छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए निशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर के लाखों छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2,75,000 युवाओं को फ्री टैबलेट योजना से जोड़ने का फैसला लिया है। नए साल के पहले दिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को धामी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारम्भ देहरादून से किया। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर करीब 700 छात्रों को आज मोबाइल टैबलेट बांटे गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए की धनराशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था, तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज इससे शुरुआत कर दिया है। टैबलेट सीधे डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए सभी के खातों में भेजेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्कूलों के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। इसके साथ ही छात्रों की पढ़ाई में आ रही परेशानियां भी दूर होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
वहीं गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अक्षय पात्रा योजना के तहत एक किचन का उद्घाटन किया है। इस किचन में 15,000 बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने की क्षमता है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अक्षय पात्रा किचन हमारे क्षेत्र और विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस मौके पर गदरपुर में निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना के तहत 10 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे गए। अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी बनते ही उन्होंने हाईस्कूल और इंटर के बच्चों को, मेधावी बच्चों को टैबलेट देने की योजना की घोषणा की और आज उसका हम एक डेमो बच्चों को देंगे और उनको चेक देंगे और मैं बच्चों को शुभकामना देता हूं कि इसका लाभ उठा के अच्छे कामों में बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूरी है। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार बताई जा रही है, लेकिन इससे बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। तैयारियां की हैं, कल हमने इसके लिए बड़े उच्च स्तरीय एक बैठक की है, बहुत समीक्षा की है, लंबी समीक्षा, और उसमें हमने ओमिक्रॉन की जो बचाव है उसके उससे संबंधित भी सभी बातों पर विचार किया है और जो जरूरी काम है हम उसके लिए कर रहे हैं। जो है हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, सभी जगह पर हम जो है टेस्टिंग भी बढ़ा रहे हैं और रैंडम भी कर रहे हैं। हरिद्वार में निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरेन महाराज के पहले संन्यास दीक्षा समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के साथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्रपुरी ने 25 किलो की माला पहनाकर संतों की तरफ से उन्हें आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका शुरू से अध्यात्म से लगाव रहा है और महामारी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि महामारी को लेकर सरकार की तरफ से सभी इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन इसके लिए धार्मिक कार्य नहीं रुकेंगे। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। इस कोरोना की महामारी के समय में भी देश का कोई काम रुका नहीं है। देश के अंदर चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हो, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन देने की बात हो, या कोरोना महामारी में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का काम हो और सबसे पहले वैक्सीन लाने का काम हो सारे क्षेत्रों में और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है, आज पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता साल के पहले दिन मौन उपवास पर बैठे। देहरादून में गांधी पार्क पर 1 घंटे का मौन उपवास बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर रखा गया। हरीश रावत ने कहा कि नए साल के साथ भाजपा को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का संकल्प कांग्रेस ने लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियत को बचाना है। कांग्रेस की जो सोच इन मुद्दों पर है, जैसे हम एक पूर्ण रोजगार युक्त उत्तराखंड की बात करें, कंसेप्ट हमारा, तो इन सब के लिए आवश्यक है कि चुनाव में आप भाजपा को पराजित करें और कांग्रेस को दायित्व दें, ताकि हम इन जिन बातों पर हम भाजपा को हराओ कह रहे हैं उन्हीं पर हम उत्तराखंड को आगे लेकर के जा सकें और वो हमारे वादे के रूप में भी देखे जाएंगे और हमारे वादे इन नारों में झल। दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और भेदभाव हो रहा है और सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता को बुरी तरह से परास्त कर रखा है, त्रस्त कर रखा है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारे सामूहिक विश्वास के प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने हम लोग ये 1 घंटे का जो मौन उपवास हमने किया वो इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार के बचे हुए 5-6 दिन जो बचे हैं उसमें तो कम से कम इन्हें सद्बुद्धि आवे और ये प्रदेश के हित में कुछ करे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नए साल पर देश को महंगाई का गिफ्ट दिया है। SMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पर 10% दाम बढ़ाने का काम किया गया है। इसके साथ ही ATM ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज लगा दिए गए। गौरव बल्लभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसी के कारण आज आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है।
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG, जिसमें बिस्किट, तेल, कंघा, साबुन, शैम्पू, इनके दाम आज 1 जनवरी से 10% बढ़ेंगे और सारी कंपनियां बढ़ा रही है, पर मोदी सरकार मुख दर्शक बन के बैठ रही है। जो सामान्य उपयोग में आने वाले साबुन है, डिटर्जेंट है, उनके दाम लगभग 6 से 10% तक आज से बढ़ जाएंगे, पर सरकार खामोश है। नए साल के आगाज के साथ ही चुनावी बेला में सियासी रंग भी खूब जमने लगा है। चुनावी प्रचार प्रसार के बीच अब पार्टियों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर रस्साकशी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से जल्द ही पहली लिस्ट जारी होगी, लेकिन हरदा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। देखिए ये रिपोर्ट। जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिनी बैठक में 70 विधानसभा सीटों से मिले टिकट के आवेदनों पर पार्टी ने खासा मशक्कत की है। प्रत्याशियों के चयन पर आखिरी फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 70 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए 478 आवेदन मिले। इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के 92, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 आवेदन आए, तो 78 महिलाओं में अनुसूचित जाति की 15 महिलाओं के आवेदन शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ये संकेत दे चुके हैं कि पार्टी की तरफ से करीब 70 में से 45 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। 2022 की शुरुआत में ही हमने और राजनीतिक दल बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को, अपनी चयन समिति स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम आधे से ज्यादा नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। कांग्रेस भले ही जल्द अपनी पहली लिस्ट जारी करने जा रही हो, लेकिन हरदा के चुनाव लड़ने पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। हालांकि ये भी अभी तय नहीं है कि हरदा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। देखना ये है कि कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साथ हरदा के चुनाव लड़ने या न लड़ने की तस्वीर कब तक साफ होती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। दिनेशपुर में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। प्रतियोगिता में 26 राज्यों से आए प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचे खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके हौसला अफजाई की। ये नेशनल चैंपियनशिप है और 26 प्रदेशों से बालक बालिकाओं की टीम आई थी। 26 प्रदेशों की टीम आई है जो मेरी जानकारी में है, और मैं सबको इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं सबको शुभकामना देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सितारगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश गंगवार ने ग्राम भिटोरा में सड़क निर्माण के साथ ही कई घोषणाएं की है। सुरेश गंगवार ने ग्राम भिटोरा का दौरा कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। इसके साथ ही 2022 के चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की भी अपील की है। हमारा सितारगंज विधानसभा क्षेत्र विकास से बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे जनपद में। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी जो विकास होने थे, विकास नहीं हो पाए, लेकिन मैंने जिला पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 20 साल में जो काम किए हैं और अब जो काम कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा दिखाई देगी। ये सितारगंज क्षेत्र चंडीगढ़ के रूप में विकसित दिखाई। वहीं हल्द्वानी में पुलिस ने 316 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि चेकिंग के दौरान इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। आरोपी UP से स्मैक लाकर लालकुआ और उसके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया करता था। ये कल रात जो है पंजाब में 9 वर्ष की चेकिंग चल रही थी, उसी दौरान मोटरसाइकिल
इसमें पकड़ी गई है। इसके द्वारा जो पूछताछ हुई उसमें राम सिंह का नाम सामने आया है, पाउडर इसको देता था जिससे ये स्मैक बनाता था। वही पिरान कलियर में क्षेत्र की जनता ने वर्तमान विधायक हाजी फुकरान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। जनता 170 साल पुराने पुल को दुरुस्त करने की मांग एक लंबे समय से कर रही है, जिसके लिए कई बार विधायक से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन पुल को ठीक करने का जिम्मा अब भाजपा दावेदार मुनीश सैनी ने उठाया है, जिसके बाद क्षेत्र की जनता में वर्तमान विधायक के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, पुल को लगभग क्षतिग्रस्त हुए 4-4.5 साल हो गए, तो तब से लेके अभी 3-4 दिन पहले तक ये पुल बंद कर रखा था पत्थर लगा के। अभी जो विधायक के चमचे हैं उनका कहना है कि ये हमने खुलवाया है, क्योंकि जब यहाँ थोड़ा वेल्डिंग वगैरह हो रहा था तो यहाँ के खड़े हो गए, कहने लगे हम ये करा रहे। चलो मान लो उन्हीं ने कराया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव अब 2 महीने रह गए, आपने अगर चलो करा ही दिया तो 2 महीने पहले क्यों कराया? जनता 4.5 साल से परेशान थी, तो आपने अब उनकी परेशानियों को देखते हुए क्यों नहीं कराया? बंगलोर में पुलिस ने निजी अस्पताल में हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद किया। वेदांता मैटरनिटी हॉस्पिटल मंगलोर 7 डे स्कूल के सामने है। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति अरोड़ा इसकी संचालिका है, और उनके घर पर नर्सिंग होम घर दोनों एक ही जगह पे हैं, वहाँ पर इनके यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। इनके पिता श्री रविचंद काल्ला को इसमें घायल कर दिया गया था, उसके बाद बदमाश वहाँ से भाग निकले थे। इसमें अभियोग पंजीकृत किया था, उसकी सुराग रसी पता रसी के लिए SOG और थाना मंगलौर की टीम इसमें लगी हुई थी। इनके द्वारा इसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुका है और 5वें चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। हर चुनाव में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे का मुकाबला देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा पार्टियों ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा है। यकीनन इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं, लेकिन हम आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में लड़ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसे दल भी मैदान में उतरते हैं जिनका नाम ना किसी ने पहले कभी सुना होता है और ना ही उनका सियासी कोई वजूद होता है, लेकिन ये दल चुनाव में भारी भरकम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी जमानत जब्त होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। चुनाव आयोग ने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने वाले ऐसे तमाम सियासी दलों की सूची जारी की है, जिसमें शामिल नाम पढ़कर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये नामों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सियासी तस्वीरों के आंकड़ों की बाजीगरी जरूर समझाते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में 28 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 37 दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ गया और सबसे ज्यादा 43 सियासी दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या थोड़ी घट गई, बावजूद इसके 34 दलों ने अपनी सियासी किस्मत को आजमाया। अब बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है। पहली बार सियासी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तीसरे विकल्प का दावा कर रही आप ने भाजपा की घेराबंदी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और कितने दल सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले की पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस विधानसभा सीट पर किस तरह का पलड़ा भारी रहता है और किसका कमजोर। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में हैं। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं।
हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपने दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उकरान के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उकरान के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लब्बो लबाब निकल कर सामने आता है कि कभी उकरान तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहाँ मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दाव खेलेगा, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।